गाइस वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। इट्स डे थ्री नाउ एंड मैं कार्ब लोडिंग कर रहा हूँ अपनी राइस, लेमन और सॉल्ट, सोडियम भी लोड कर रहा हूँ। तो हम थोड़े लेट हो रखे हैं, फटाफट से मील ले रहा हूँ अपने और जल्दी से चलें क्योंकि आज जल्दी जल्दी होगा सब कुछ, जो भी वहाँ पर होना है शो फटाफट से होगा। तो फटाफट से मैं मील ले लेता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ वहाँ पर, ठीक है? चलो मैं आ रहा हूँ। डे थ्री गाइज एंड हियर, चलेंगे स्टेज पे, कर देंगे रॉक। Thank you.
space in front. Alright, you guys look great. Look forward to seeing you guys back here tomorrow for the final. You guys go and file off stage. Yashar Anbari. Next we have is Nishant Bansal from India. Okay, next, any guesses? Next athlete is from India. Any guesses? Go on to home. Is from Kuwait, 123, Karim Ismail. Next athlete is from India, 124, Pankaj Kajwane. And our next athlete is also from India. Any guesses? Jiren Kaliwal Akumana, 125. All right, gentlemen, turn and face the back. Places.
Any guys that's turning to face the back? Okay, spread out. Spread them out. Excellent. Ladies. Face the front. This is tough, guys. You guys look amazing. Spread out. You guys face the front. 124 and 261, switch places. 124 and 261. Just turn and face the back. की जरूरत तो नहीं है सब सब जानते हैं भाई को सच्ची बता रहा हूँ गाइस इतना अच्छा लग रहा है भाई से मिलकर कि मैं बता भी नहीं भाई अभी मैन फिजिक्स से कम्पीट करके आए और मैकडॉनल्ड्स में बैठ के प्राइस कहा है कार्स लोडिंग ब्रो कार्स लोडिंग और इनको तो जानते ही होंगे आप फर्स्ट मॉर्निंग में आ गया था 5 बजे के अराउंड और आज फर्स्ट है तो कल से लेके आज तक मैं सो ही रहा हूँ नींद पूरी करी है बस मैंने सो ही रहा था पूरे मतलब कल भी पूरे दिन सोया रात भी सोया आज भी पूरा दिन सोया आज शाम हो गई है जिम भी नहीं गया हूँ 2 दिन से और बहुत लोगों के मुझे कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या रहा कॉम्पिटिशन में क्या रिजल्ट रहा मतलब बहुत मैसेजेस कॉल आ रहे हैं लेकिन मैं किसी का कॉल पिक नहीं कर पाया और ना मैसेज के रिप्लाई कर पाया तो मैं बताना चाहूँगा कि यार मेरी कोई भी प्लेसिंग नहीं आई है कंपटीशन में बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मतलब मुझे पता चला मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ और बेसिकली मैं कंडीशनिंग तो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी बट जो जहाँ मैं लैग किया वो था साइज़ तो अब मुझे इस साल अब मुझे और मसल मास गेन करना है और अच्छा मसल मास लेके जाऊंगा मैं नेक्स्ट ईयर तो देखो ऐसे ही होता है यार देखो चीज़ें जब हम करते हैं फर्स्ट टाइम तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली बहुत सारे एथलीट्स मिले मुझे मतलब जो भी प्रो एथलीट्स थे उनसे भी मिला मैं वहाँ पर
तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो कि मैं अब अपनी नेक्स्ट प्रेप में अप्लाई करूँगा। और आप लोगों ने भी यार मुझे बहुत प्यार किया, बहुत सपोर्ट किया, ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट आप लोग करते रहें, आगे भी मैं अच्छा करूँगा। इस बार भी मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अच्छा करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, क्योंकि देखो सब सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। तो मैंने अपना बेस्ट करा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं और बेस्ट करूँगा। अभी इस बार 100% किया था, नेक्स्ट टाइम 200% करूँगा और अच्छा करूँगा। देखो धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट होती है और आगे भी मैं ऐसे ही इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा। सो अब ये प्रेप यहीं पर एंड होती है मेरी, और मे बी शायद दिल्ली में अभी एक दो कॉम्पिटिशन हैं, वो मैं कॉम्पिटिट करूँगा मे बी। तो जैसे उनकी जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ये एमेचर ओलंपिया की प्रेप तो यहीं पर एंड हो, मतलब मेरी प्रेप यहीं पर एंड हो गई है। बाकी अब जो भी आगे जो कंपटीशन खेलूंगा दिल्ली में भी, अभी अपकमिंग जो भी खेलूंगा एक दो कंपटीशन, वो उसके बारे में भी आप लोगों को बताता रहूँगा। तो देखो यार गाइज, क्या होता है कि मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर भी नहीं होगा और ट्राई कर तो मैं करता ही रहूँगा, हार मानने वालों में से नहीं हूँ। और धीरे धीरे ही इंसान सीखता है, तो मैं भी ऐसे ही करूँगा धीरे धीरे सीखने को। जो जो चीज़ें नॉलेज मुझे मिलती रहेगी वो मैं गेन करता रहूँगा। जो जो गलतियाँ मैंने इस बार करी हैं मैं नेक्स्ट ईयर नहीं करूँगा, और अच्छी कंडीशनिंग और अच्छा मसल मास लेके जाऊँगा और बेटर परफॉर्म करूँगा। बस यही कोशिश रहेगी कि टाइम बाई टाइम मैं और बेटर होता जाऊँ और अच्छा होता जाऊँ। मतलब मी वर्सेस मी ही है, मतलब मैं जैसे इस साल जो भी मेरी कंडीशनिंग और साइज़ है वो नेक्स्ट ईयर और इम्प्रूव करूँ मैं। तो बस यही है, यही कोशिश रहेगी कि बस टाइम के साथ साथ मैं बेटर होता चला जाऊँ। तो बाकी अब दो दिन से जिम भी नहीं गया हूँ और आज भी जिम नहीं जाऊँगा। और आज क्षितिज का बर्थडे है, तो क्षितिज के बर्थडे में जाना है आज, उसने बहुत कॉल करे मुझे। और अक्षय और इंद्र का भी कॉल आया था, तो आज उसके बर्थडे में जाऊँगा। और फिर कल से जिम अपना दोबारा से स्टार्ट करूँगा। नींद पूरी कर ली है, बहुत ज़्यादा सो लिया, बहुत रेस्ट कर लिया, अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। वरना आप लोगों ने पहले के व्लॉग्स में तो देखा ही होगा मेरा फेस कैसा हो रखा था। तो अब धीरे धीरे नॉर्मल होऊंगा, अभी एक दो कॉम्पिटिशन और खेल सकता हूँ, अभी कंफर्म नहीं है, खेल सकता हूँ, बट उनको खेलने के बाद फिर अपना नॉर्मल, फिर अपना जो भी नॉर्मल लाइफ होगी वो आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं, बाकी आप लोगों से मिलूँगा कल एक नए व्लॉग, कल नहीं मतलब आज शाम को एक नए व्लॉग, मतलब एक और नया व्लॉग बनाऊँगा क्षितिज की बर्थडे का, तो उसमें मिलेंगे आप लोगों से। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, खाओ पियो मौज करो और ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहो। बाय बाय।